अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं पालक सोया और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत बेसिक सी आसान सी रेसिपी है और रोज़मर्रा के खानों में हमारे घरों में बनती ही है, तो इसको मैंने मेरे स्टाइल से बनाया है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लिया है और अब इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। इसी के साथ 10-12 जवे लहसुन के कटे हुए। लहसुन को हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। तो ये देखिए, लहसुन गोल्डन हो चुका हल्का सा। इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। जरा से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ इसमें 1/2 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च जो तेज़ वाली होती है, तीखी वाली वाली भी डाल सकते हैं। अभी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के आलू कटे हुए। तो इस शक्ल में मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है, ये डाल देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आलू और टमाटर जो है ना, इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक आलू वहाँ फ्राई हो रहे हैं, आलू का मसाला मैं आपको दिखा दूँ कि पालक मैंने लिया था 400 ग्राम, इसको इस तरह से चॉप कर लिया है और ये 200 ग्राम सोया है। सोए की जो भाजी होती है, जिसको यहाँ मुंबई में शेपू भी कहा जाता है, ये वो है। तो इसको मैंने काट कर धो लिया अच्छी तरह से और फिर इसको छन्नी में रख दिया कि पानी सारा अच्छी तरह से निथर जाए, क्योंकि इसमें ये होता है कि हरी पत्तियों में ना पानी बहुत होता है, तो हमारा जो साग है वो बहुत ज़्यादा पानी वाला हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये करिए कि धोने के बाद इसको छन्नी में रख लीजिए ताकि पानी जो है सारा अच्छी तरह से निथर जाए। ये देखिए, ये जो टमाटर और आलू जो हमने इसमें डाला था, ये अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए मैंने इसको भूना है, लेकिन टमाटर जो है हल्का सा गल जैसा गया है और अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी सी आने लगी है। तो अब इसमें ये पालक और सोए की सब्ज़ी डाल रही हूँ और इसको हम हल्के हाथ से ज़रा ज़रा सा ऊपर नीचे कर लेंगे। भाप बनेगी ना तो ये जो पालक है ये थोड़ी सी सिमटेगी तो कढ़ाई में अच्छी तरह से आ जाएगी। तो ये देखिए, मैं इसमें 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ और आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डालिए जितना आपको तीखा पसंद हो। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और तो ये देखिए, इसमें सब्ज़ी में कितना पानी छूटा है और ये जो हरी सब्ज़ी है ये भी अच्छी तरह से थोड़ी सी भुज जैसी गई है। तो अब इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर ढाक कर 5 से 7 मिनट पका लेंगे, उसके बाद चेक करते हैं। और अब एक तरफ ये देखिए, एक पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लिया है और इसमें डाल रही हूँ 10-12 कड़ी पत्ते और इसी के साथ डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सब्ज़ी को भी देख लेते हैं, इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका और सब्ज़ी जो है ये आधी पक चुकी है। ये देखिए, प्याज भी जो है ये गोल्डन हो चुकी है। अब इस प्याज को हम सब्ज़ी में डाल देंगे तो और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। मैंने इसमें पहले नहीं डाला था क्योंकि नमक से होता है कि सब्ज़ी का कलर जो है ना हल्का सा ब्लैकिश टाइप का हो जाता है। तो इसको भी हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी लगभग हमारी 70-80% तक गल चुकी है। और अब इसको ढाँक कर धीमी आँच पर लगभग 5 से 7 मिनट और पका लेंगे और फिर इसको देखते हैं कि ये पूरी तरह से गली है या नहीं। तो ये देखिए, इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके और सब्ज़ी जो है अच्छी तरह से पक चुकी है, आलू भी गल चुका है। तो अब इसकी फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।